नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनुषया। दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे देशों में कैंसर, और कैंसर जो हुआ है सबसे ज़्यादा हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर। गर्ल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत तेज़ी से ये जो कैंसर है ये बढ़ रहा है, और ज़्यादातर इंसान का डेथ हो रहा है क्योंकि शुरू में पता ही नहीं चल रहा है हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों का नॉलेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स होता है जिससे आपको पता चले कि आपको ट्यूमर है या कैंसर है, नॉर्मल ट्यूमर है या कुछ। बॉडी के कोई भी पार्ट्स में कोई भी सेल कभी भी कैंसरस सेल्स में डेवलप कर सकता है, वो चेंज हो सकता है कोई भी पार्ट। तो अगर वो पार्ट आपका, वो चेंजेस अगर आपका ब्रेस्ट में हो तो उसको बोला जाता है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर आपको कैसे पता चलेगा और किस तरह से आप समझोगे और आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे, और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है सबसे पहले पता चलता है कि एक ब्रेस्ट में एक ट्यूमर जैसा फील होता है, और वो जो कैंसरस ट्यूमर है या फिर वो नॉर्मल ट्यूमर है वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फैट भी जम जाता है वो भी ट्यूमर की तरह दिखता है, कभी कभी फाइबर डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है उससे भी वो जगह फूलने लगता है और लगता है कि ट्यूमर है, लेकिन अगर फाइबर या फैट जम जाता है वो वाला ट्यूमर है तो आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है, फिर भी डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेकिन अगर कैंसरस ट्यूमर है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो जितना जल्दी आपको, आप जान पाओगे कि आपको किस तरह का ट्यूमर है उतना जल्दी बचने का चांसेस होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर शुरू में ही पता चल गया तो ज़्यादा चांसेस रहता है लोग बच जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी मैं बात करूँगी कि नॉर्मल ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर में फ़र्क क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे आपको पता चलेगा, फिर मैं बताऊँगी आपको क्या करना चाहिए अगर आपको ये सारी सिम्टम्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंसरस ट्यूमर्स। कैंसरस ट्यूमर जो होता है वो जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का साइड के पोर्शन में होता है, साइड में हो जाता है, और दर्द बिल्कुल नहीं होता है लेकिन एक सूजन जैसा लगता है, और वो ट्यूमर इस तरह का होता है, कहाँ तक फैला है आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप उसको टच करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि एक लंप जैसा है कुछ, और उसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी दर्द अगर नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें आपको कैंसरस ट्यूमर है। और मिडिल पोर्शन में होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको ट्यूमर मिडिल पोजीशन में है, बॉडी के ठीक इधर इधर मिडिल पोर्शन में है, जैसे कि फैट डिपोजिशन या फिर फाइबर डिपोजिशन ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, निपल्स के आसपास में सूजन हो गया है, रैशेस हो रहा है, चांसेस होता है कि कैंसर हुआ है। कभी कैंसर सेल्स क्या करते हैं, तो निपल्स को वो अंदर की तरफ करने लगते हैं। अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको है तो इमीडिएट, बिल्कुल ना देरी करते हुए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जो भी आपका लंप है वो दर्द नहीं होगा, कहाँ तक फैला है आपको समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल ट्यूमर में क्या होगा वो समझ में आता है, एक लंप जैसा बनने लगता है मिडिल पोर्शन में, ज़्यादातर ये बीच के साइड में होता है, ये साइड में जो होता है वो है कैंसरस ट्यूमर, और ये बीच के साइड में जो होता है वो है नॉर्मल ट्यूमर, जो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल ट्यूमर में क्या होता है, वो एक लंप जैसा जो बनता है नॉर्मल ट्यूमर में, वो आपको पता चलेगा कि एरिया कहाँ तक है, कहाँ तक फैला है। आप रबर जैसा आप उसको प्रेस करोगे तो आपको पेन भी होगा, लेकिन कैंसरस ट्यूमर जो है वो कहाँ तक, एक तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक फैला है, आपको लगेगा कहाँ तक है समझ में नहीं आएगा, लेकिन पता चलेगा कि कुछ है और वो जगह बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तो वही हो रहा, मतलब 90-99% चांस है कैंसरस ट्यूमर का। अगर निपल्स से अचानक से स्वेलिंग होने लगे और निपल्स से एक डिस्चार्ज हो, और वो अगर व्हाइटिश डिस्चार्ज हो, व्हाइट टाइप का कुछ निकले, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे नॉर्मली बैठे हो लेकिन आप देख रहे हो आपका ड्रेस जो है वो भींग रहा है, व्हाइटिश कुछ निकल रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास आपको विजिट करना चाहिए, दिखाना चाहिए इमीडिएट। वो आपको जैसे जैसे सजेशन देगा उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कैंसरस ट्यूमर का। लेकिन नॉर्मल ट्यूमर में वैसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी निपल्स में कोई भी डिस्चार्ज कुछ भी नहीं होता है। कैंसरस ट्यूमर्स हिलता नहीं है, जब आप उसको पकड़ोगे, अगर साइड में हुआ है उसको अगर पकड़ोगे वो हिलेगा नहीं, एकदम बॉडी की तरह बिल्कुल चिपका हुआ रहता है। लेकिन जो नॉर्मल ट्यूमर होता है वो हिलता है, आप उसको हिलाओगे वो हिलेगा, रबर जैसा होता है, और प्रेस करने से दर्द भी होता है। हम बात करेंगे कि आपको अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए। इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और आपको एवरी 20-20 डेज में आपको ब्रेस्ट को चेक करते रहना है। जो भी गर्ल्स है
कोई भी एज का हो, क्योंकि अभी एज हिसाब से नहीं हो रहा है, कोई भी एज में कुछ भी हो सकता है, तो बच्चे को भी होता है। तो आप अगर बच्चे आपके घर में है तो उसको भी चेक कीजिए ब्रेस्ट में जो गर्ल्स है कि कोई लंप जैसा कुछ हुआ कि नहीं, तो वो कैसा है, जैसा जैसा सिम्टम्स मैंने बताया सारी चीज़ आप अच्छे से फॉलो कीजिए, देखिए, और फिर आप डॉक्टर को दिखाइए इमीडिएटली। डॉक्टर आपको दो तीन टेस्ट देंगे, जैसे कि हो गया बायप्सी, हम सभी जानते हैं बायप्सी टेस्ट होता है कि कैंसरस है कि नॉर्मल वाला है ट्यूमर, तो वो समझ में आ जाता है। और अगर कैंसर हो जाते हैं उसके बाद सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, उससे पता चलता है कि कहाँ तक ये फैला है, आपका कैंसर कहाँ तक हुआ है, कितना चांसेस है बचने का, ये सारी चीज़ें। मेरी खुद की जो पीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब मेरे पापा का जो बहन है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था आज से 15 साल पहले, और उनको इमीडिएट उसको पता चल गया था, उसको डिस्चार्ज होता था निपल से, तो वो वेलोर चला गया और वेलोर में जाके अपना ब्रेस्ट जो है वो ऑपरेशन करवाया। और कभी कभी वो ट्रीटमेंट के लिए जाते रहते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर उनको बोलते हैं, तो वो अभी भी जिंदा है। 15 साल पहले उनको बोला गया, मतलब उनको ये पता चला था, और अभी भी वो अपनी जिंदगी जी रहा है। और ये सारी नॉलेज बहुत रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं बताती हूँ कि हर चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों वीडियो को शेयर करो, ताकि सबको पता चले कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, और ताकि ये और ना फैले। इमीडिएटली अगर आपको पता चल गया कि हाँ ये है, तो सबको ये फ़ायदा होगा, वो ज़िंदा रह पाएंगे, बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर शुरू में ही आपको पता चल जाता है। तो साइड में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो ना ये साइड में, तो मतलब आप पकड़ के चलो कि ये आपका स्टेज सेकेंड या थर्ड स्टेज में चला गया है। तो शुरू में ही जब भी आपको कोई भी पेन हो, या फिर ब्रेस्ट का साइज़ में कोई चेंजेस आ रहा है, या फिर कोई भी लंप है वो दर्द नहीं हो रहा है, मतलब वो सारी चीज़ें डेंजरस वाली बात है, इमीडिएटली डॉक्टर दिखाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी आपको लगे आप शेयर करो, ताकि गर्ल्स को इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से बचाया जा सके। मैं अनुशुभा फिर मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।